बढ़ती ठंड ने लखनऊ स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। लखनऊ के पीजीआई, केजीएमयू और लोहिया जैसे बड़े हॉस्पिटल्स में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सभी अस्पतालों के आईसीयू बेड फुल हो चुके हैं। विभाग अध्यक्ष वेद प्रकाश ने कहा कि ठंड को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। सर्दियों में स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना जरूरी है। ठंड से कैसे बचाया जाए, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। देखिए, ये मौसम बदलाव का है और जब टेम्परेचर भी कम होता है, इसके साथ साथ नमी भी जब कम होती है हवा में, तो नेचुरल डिफेंस जो लंग्स का है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का है, वो प्रभावित होने लगता है। इसके चलते जो इन्फेक्शन है, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रुक जाना चाहिए, वो ड्राई एयरवेज के कारण अंदर तक, लंग्स तक, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वहाँ तक पहुँचता है। वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, या फिर इन दिनों में आप देखेंगे कि जो PM 2.5 या PM 10 के जो स्तर हैं, वो भी खतरनाक लेवल पर चल रहे हैं हवा में, जो एक पॉल्यूशन की जो स्थिति है। साथ ही साथ जो एलर्जी की समस्याएं हैं, वो भी इस मौसम में ड्राईनेस या ड्राई एयर होने की वजह से बढ़ती हैं। ठंड के चलते सांस रोगियों की जिस तरीके से संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, काफ़ी चिंताजनक है। स्वास्थ्य विभाग लगातार अवेयरनेस फैला रहा है कि ठंड में बेवजह बाहर ना निकले, मास्क का इस्तेमाल करें और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। इस वक्त चाहे केजीएमयू हो या फिर लोहिया संस्थान हो, दोनों ही के जो बेड हैं पूरे तरीके से फुल बताए जा रहे हैं, लेकिन जो रोगियों की संख्या है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। वीडियो जर्नलिस्ट रश्मि के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ। अनादि टीवी।